रांची के समोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी धरना में बैठे हमारे सहायक पुलिसकर्मीगण। इस धरना को कवरेज देने के लिए तमाम मीडिया कर्मी बंधुओं आप सभी को जोहार करते हैं, जय हिंद करते हैं। आज धरना का आयोजन 24 साल होने को है, लेकिन मुझे आज भी मैं बार बार हर एक गाँव में जाता हूँ और इन्हीं विषय को रखता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी 24 सालों में यानी जिस समय झारखंड राज्य का अलग हो रहा था, अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया होगा तो आज वो 24 साल का हो चुका होगा और आज भी वो झारखंड की गलियों में, आज की गांव की पगडंडियों में एक ही सवाल करता है कि झारखंड राज्य बना ही क्यों था। आज भी मेरे भी जहन में है, आपके भी जहन में यही सवाल है कि आखिर झारखंड राज्य अलग बना ही क्यों था। अगर आज भी हमारे भाई लोग कोई 2 महीना से धरना पर बैठे, कोई सालों से धरना पर बैठे, कहीं कोई अपने माइंस को लेकर धरना पर बैठा है, कहीं कोई सहायक पुलिसकर्मी धरना पर बैठे हैं, कहीं आंगनबाड़ी की सेविका धरना पर बैठे हैं, कहीं और लोग धरना पर बैठे हैं, कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के बाहर धरना पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरना में बैठा है, तो आखिर ये राज्य बना किसके लिए और इस राज्य में खुशहाल चल कौन रहे हैं। अगर इस राज्य के तमाम नौजवान, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वयं सेवक हो, अगर हर लोग धरने के माध्यम से अपनी मांग को मान रहे हैं तो भाई ये राज्य बना क्यों है। तो आज मैं अपने संगठन की ओर से आप सबों के साथ हम लोग समर्थन में खड़े हैं और जितने भी हमारी भाई बहन का सहायक पुलिसकर्मी है उसको हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आज विगत 2 वर्षों से हम लोग झारखंड के जिन मुद्दों के साथ खड़ा होने की आवश्यकता पड़ी हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। आज हमारे जितने भी साथी हैं, मेरी भी बात करें तो हम लोगों ने लगभग 13-14 FIR खाया है जिनमें 353-307 के जैसे ऐसे धारे, अनगिनत धारे लगे हुए हैं, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया है परिस्थितियों के साथ। आज आपके विषय से भी हम लोग परिचित हो रहे हैं और आपका विषय भी कहीं ना कहीं बड़ा खौफजदा विषय है। आज बड़ा दुर्भाग्य, मतलब आश्चर्यचकित लग रहा है कि आज आप 2017 में ज्वाइनिंग करते हैं और आज 7 साल 2024 में भी आपकी सैलरी 10,000 के 10,000 है, तो हमें लगता है ये बंधवा मजदूर से भी गया गुजरा स्थिति। ये बड़ा विचित्र, मतलब ऐसा भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होगा ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जिस देश को हम लोग लोकतांत्रिक देश मानते हैं, जो देश जनता का देश है, एक लोकतांत्रिक देश में कोई इंसान बंधवा मजदूर से भी गया गुजरे अवस्था में है, इतनी खौफनाक दृश्य है, ये तो हमको सुन के ही बड़ा हम लोग का रूह कांप रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। अरे कोई अगर मजदूरी भी करता है तो साल दर साल उसका इंक्रीमेंट होता है, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आप 2017 में जिस सैलरी के साथ इस नौकरी को ज्वाइन करने का काम किए हैं, 7 साल बाद भी अपने आप को वहीं पाते हैं, ये बड़ा विचित्र बात है। तो आज मैं गठन हो रही नई सरकार से लोकतंत्र के 4th स्तंभ के माध्यम से, तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं नई सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा कि देखिए आज इस प्रकार आपने विशेष सदन बुलाया था, आज विशेष सदन बुलाया गया था, मैं चाहता हूं कि विशेष सदन यहां के युवाओं के जो समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए विशेष सदन चलाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को आज के इस धरना स्थल से तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री साहब, आप 3 महीना जेल में थे, 4 महीना जो भी थे, आप सबकी आपके प्रति हमदर्दी रही है और आज आप जब जेल से बाहर आए तो 3 महीना आप जो राज की कुर्सी से उसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ के देखिए जो लोग 7 सालों से लगातार सेवा देने का काम किया है, लगातार गर्मी बरसात में अपने आप को समर्पित करने का काम किया है और आज भी अगर ये लोग उसी तरह के एक मामूली तनख्वाह में इतने रिक्शी जीवन यापन कर रहे हैं, रिक्शी सेवा दे रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ा हमें लगता है आज ये धरती बिरसा बाबा की धरती है, आज कहीं ना कहीं उनका जो अगर उनकी आत्मा भी कहीं देख रही होगी, सुन रही होगी, तो मुझे लगता है आज वो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर होगी, चिंतित होगी कि बिरसा की धरती में बिरसा के बच्चों का ये हाल है कि आज उन्हें अपने घर से बाहर छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरना स्थल पर आना पड़ता है। अरे पुरुषों की तो छोड़िए, हमारी बहनों को भी रात्रि अवस्था में पूरे कालखंड में, आज ये बड़ा विचित्र बात है। इसीलिए आज हम आशा करते हैं, हम मुख्यमंत्री महोदय को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने घर से बाहर आए, आप देखिए कि झारखंड में घटित क्या हो रहा है, झारखंड में चल क्या रहा है और फिलहाल आह्वान करेंगे कि जो सहायक पुलिस कर्मी है इनकी सेवा किस प्रकार से आप स्थायी करते हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि सहायक पुलिस कर्मी के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाए, नाम दिया जाए, लेकिन सेवा को स्थायी किया जाए, इनकी जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए। देखिए ये जो मांगे हैं ये कोई विशेष मांग नहीं है, ना ये विशेष राज्य विशेष जिला का मांग कर रहे हैं, ये अपनी मजदूरी का हक मांग रहे हैं और हमें लगता है इन्हें इनका हक न्यायपूर्वक मिलना चाहिए। और आज
गन हमारे सहायक कर्मी है, बंधु गण है, भाई गण है, बहन गण है, आप सभी को हम लोग कहना चाहेंगे कि जब भी आप लोग अगर इस धरने पर बैठे हैं आप अपने आप को अकेला ना समझे, हमारा पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है और आपके साथ हम लोग कांधे से कांधे मिलाकर चलेंगे। चाहे जेएसएससी सीरियल का मुद्दा हो, चाहे आपके सहायक पुलिस कर्मियों का मुद्दा हो या स्वयंसेवक का मुद्दा हो, हमने हमेशा हर मुद्दों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं। सीरियल के मुद्दे में अगर हम लोग नहीं खड़े होते, अगर हम लोग नहीं अगुवाई करते हैं तो शायद ना एसआईटी का गठन होता, ना ही पता चलता कि 27 लाख रुपए लेकर पेपर लीक किए गए थे। तो नो डाउट हम लोग मुद्दों से कभी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन हाँ हम लोग भी आप ही की तरह आपके ही समान है, आपके ही तरह आपके परिवेश से आने वाले नौजवान है। लेकिन हाँ जो सही है, आज हम लोग उस आवाज को बनने का काम किए, इस राज्य को उस आवाज को देने का काम किए हैं, तो निश्चय ही जब भी हमें अवसर मिलेगा, बकायदा हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं जिससे राज्य के राजधानी के तमाम सम्मानित मीडियाकर्मी उपस्थित थे। हमने पहला लाइन यही कहा कि जो धरने पर कई दिनों से बैठे हैं हमारे सहायक पुलिसकर्मी, उनकी समस्याओं का निदान मुख्यमंत्री बकायदा करे, क्योंकि हमें लगता है कि ना सहायक पुलिसकर्मी अब किसी पर विश्वास करने की उम्मीद में नहीं है। और ये स्वाभाविक है, मिथिलेश ठाकुर जी आके मिल के जा चुके हैं साल भर पहले, बंधु तिरकी जी इनसे आकर मिल के जा चुके हैं, वे बार बार आते हैं और यही बात को दोहराते हैं कि मुख्यमंत्री के दूत के रूप में आए हैं। और फाइनली क्या होता है ये सभी जानते हैं, आश्वासन दिया जाता है। और बड़ा दुख तो तब लगता है जब आईएएस लोग अपने लेटर हेड में हस्ताक्षर करके देते हैं, मांगों को समर्थन देते हैं, हस्ताक्षर के साथ समर्थन करते हैं, उसके बाद भी समस्या से निजात नहीं पाया जाना बड़ा दुर्भाग्य लगता है। इसलिए आप लोग धीरज रखें, क्योंकि झारखंड का निर्माण ही बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हुआ है, झारखंड का निर्माण ही एक बहुत बड़े लंबे संघर्ष और शोषण के बाद हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आप अपने धीरज में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और निश्चय ही ये देश कहीं ना कहीं गांधी का देश है। और याद रखिएगा, गांधी ने एक लाठी के दम पर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा था, हमारे हौसले तो कम से कम उनकी लाठी से मजबूत होने चाहिए। आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत लोग हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि ये जो परीक्षा आपकी ली जा रही है, इस परीक्षा में आप अव्वल होंगे और परिस्थितियों के साथ समझौता ना करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखते हुए आपका जो हक हुकूक है, अधिकार है, उसे लेने के लिए आप कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बाकी हम लोगों का समर्थन आपके साथ हमेशा रहा है, रहेगा हमेशा, नैतिक रूप से शारीरिक रूप से हम लोग कभी आपके समर्थन में पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात, हम लोग एज ए लीडर यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग आप भाई कहें, आपके साथी कहें, आपके मित्र कहें, हम लोग आपके भाई के रूप में आए हैं, आप उसी रूप में हमें स्वीकार करें। हम लोग लीडर के रूप में आपके साथ नहीं आए हैं, एक भाई के रूप में आए हैं, आप हमारे भाई गण हैं, आप हमारी भांडगण हैं और हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बड़े पृष्ठभूमि से आते हैं, भले आज राज्य में हम लोगों ने अपने मेहनत से एक पहचान बना लिया है, लोकसभा के चुनाव में एक अच्छा परिणाम पा लिया है, लेकिन हम भी आप ही की तरह एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले नौजवान ही है। हम लोग भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आज हमारा पीएचडी चल ही रहा है, ये और बात है कि हम लोग राजनीति में आ गए हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ने का अलग विषय है, लेकिन हम लोग भी समझते हैं परिस्थितियों को। और विशेषकर जो डिफेंस लाइन की अगर बात आती है तो डिफेंस लाइन को भी हम लोग भली भांति समझते हैं कि कितना मेहनत के साथ, कितनी तकलीफ के साथ, उतने कितने त्याग के साथ लोग डिफेंस की बहाली को क्लियर करते हैं। आज आप किसी भी राज्य में कि चाहे देश में अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से पूछिएगा कि उसका ड्रीम क्या है तो यही कहेगा, अगर सेंट्रल की बात आएगी तो आर्मी कहेगा, बीएसएफ कहेगा, और अगर राज्य की बात आएगी तो पुलिस की बात करेगा, क्योंकि वो अपने ड्रीम को भी अपनी हैसियत के अनुसार ही देखता है। वो कभी नहीं कहेगा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो बड़े घर के बच्चे कहते होंगे, एक आध लोग कहते होंगे, लेकिन जो वास्तव में चीजों को समझते हैं ना, जो हकीकत से रूबरू है, वो यही कहते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे, जब स्कूल में हमारे कोई पत्रकार आते थे, जब हम लोग छठी क्लास में सातवीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोग भी पहला सपना यही कहते थे कि हम लोग आर्मी बनेंगे, तो ये स्वाभाविक है। हाँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मिडिल क्लास फैमिली के घर के बेटे और बेटियां हैं, उनको अपने सपनों को भी मालूम है कि उनकी उड़ान कहाँ तक है, उन्होंने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया है। और जहां तक डिफेंस की बात है, बहुत मेहनत के साथ लोग डिफेंस में आते हैं, तो मेरा मानना है कि हम लोग भी बहुत करीब से तैयारियों को किया है। हम लोग भी सुबह 4 बजे 5 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे, कई सालों तक हम लोग भी दौड़ लगाए हैं। और जहां तक डिफेंस की बहालियों का सवाल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हमारे धनबाद बोकारो में तो आज भी एक कहावत है, गांव देहात में आज भी एक कहावत आज से 30-40 साल पहले कहे जाती थी कि झारखंड के जो बच्चे हैं वो दो ही कामों में नौकरी पा सकते हैं, या वो टनिया में दौड़ के, ना तो मटिया फोड़ के। हमारे गांव में आज भी कहा जाता है, टनिया में दौड़ने का मतलब है हमारे जो पूर्वज नौकरी लेते थे वही हवलदार, चपरासी, दरोगा, पुलिस, वही हमारी हैसियत थी। देखिए, हमें अपने
हम मानते हैं हमारे सपने देखने का हक है, हम अपने सपनों को आसमान तक देख सकते हैं, आसमान यानी किसी पायलट के रूप में देख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट का वहन करना पड़ता है। तो हमने अपने सपने हमेशा अपने बजट के अनुसार ही देखे हैं। और ये गाँव घाट देहात में कहावत सही में आज भी चरितार्थ है कि झारखंड है गिदर दुए चीजें नौकरियां करवा। आज से 30-40 साल पहले एक कहावत थी कि मटिया कोड़ के ना तो टणिया दौड़ के। मटिया कोड़ने का मतलब है कि हमारे उधर माइंस का एरिया है, जो हमारे पूर्वज उस समय मिट्टी काटने के लिए गए थे उनको BCCL में सरकारी नौकरी लग गया था, और बाकी लोग वही हवलदार चपरासी पुलिस की बहाली को क्लियर करते थे आज से 30-40 साल पहले। तो आज हम लोग समझते हैं, हम झारखंड के मर्म को समझते हैं। आज भी जो डिफेंस लाइन की नौकरियां ली जाती है, बड़ा मानसिक शारीरिक प्रतारणा के बाद लिया जाता है, और उस दौर में लिया जाता है जब परिवार की स्थिति अति सामान्य होती है, एक साधारण सा किसान का बैकग्राउंड होता है। तो हम आपके दुख में आपके साथ हैं, और हम लोग आज कहीं ना कहीं आज अगर यहाँ तक आए हैं तो झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं, झारखंड के मुद्दों पर बेबाक बात रखने के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहें, हम लोग एक लीडर के रूप में नहीं, आपके भाई के रूप में आए हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, आज हमारे जितने भी साथी हैं रांची जिला के, चूंकि हमारा घर धनबाद जिला पड़ता है, यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, स्वाभाविक है जब अगर कोई सूचना हम तक जाएगी तो आते आते समय लग जाएगा, लेकिन रांची जिला में जो हमारी कमेटी गठन हुई है, हम लोग उनसे कह के जाएंगे, उन्हें हिदायत दे के जाएंगे कि आपका जो भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में बकायदा हमारा पूरा संगठन आपके साथ शरीक रहेगा, आपके समर्थन में, आपके सहयोग में, हमारी हैसियत के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार जो भी बनेगा, जो भी पड़ेगा, हमारे साथी आपके साथ डटके रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अपने आप को अकेला ना माने, ऐसे भी लोग जब संघर्ष करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि संघर्ष वही लोग करते हैं जो अपने आप को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत बलवान पाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई जाया नहीं जाएगी, संघर्ष से झारखंड बना है, संघर्ष से हमें झारखंड मिला है, संघर्ष से हमें अधिकार मिलेगा। आप संघर्ष का दामन ना छोड़े, हम आप लोगों के संघर्ष के साथी बनने के लिए हम लोग तैयार हैं, और आप लोगों के साथ हर स्तर से नैतिक ही नहीं, हम लोग शारीरिक समर्थन यानी शरीर लेकर आपके आंदोलन में, आपके धरनों में, अगर आप कल इसको मशाल जुलूस का रूप देते हैं, रोड मार्च का रूप देते हैं, भूख हड़ताल का रूप देते हैं, तो जरूर हम लोग नैतिकता के आधार पर ही नहीं, शारीरिक आपके साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। और ये आप इस बात को आप हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे।